हेलो एवरी वन सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन वेन द क्लाउड्स फॉर्ट जब बादल लड़े ऑफ क्लास सेवकेट दी सी क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन द स्काई हम आसमान में डिफरेंट शेप्स यानी अलग अलग आकृतियों के बादल देखते हैं सम लुक लाइक ह्यूमन फेसेस सम लुक लाइक एनिमल्स एंड सम लुक लाइक थिंग्स वी यूज कुछ इंसान के चेहरे जैसे दिखते हैं कुछ जानवरों की तरह दिखते हैं और कुछ हमारे द्वारा यूज की जाने वाली चीजों की तरह दिखते हैं कट आउट ऑफ फ्यू स्मॉल क्लाउड शेप्स फ्रॉम पेपर पेस्ट देम ऑन पिक्चर ड्रॉ फेसिस ऑन देम विद डिफरेंट एक्सप्रेशन कागज से बादलों की कुछ छोटी शेप्स काट लें उन्हें पेज पर चिपकाएं, उन पर अलग अलग एक्सप्रेशन वाले चेहरे बनाएं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज लर्न मैनी न्यू एंड रेन फ्रॉम देर मदर आइए पढ़ते हैं दो लड़कों की कहानी जो अपनी माँ से बादलों और बारिश के बारे में कई नई बातें लाइंग ऑन द ग्रास इन दियर गार्डन वेन द स्काई बिकेम डार्क विक्रम और रजत अपने बगीचे में घास पर लेटे हुए थे तभी आसमान में अंधेरा छा गया विक्रम वॉज लुकिंग एट द स्काई वेन ही सडनली क्राइड आउट ओ लुक देर इज अ ड्रैगन इन द स्काई विक्रम आसमान की ओर देख रहा था तभी वो अचानक चिल्लाया ओ oh, देखो वहाँ आसमान पर एक ड्रैगन है रजत लुकड अप इन सरप्राइज एंड सैड ओ युक्यूज बुल चार्जिंग एट द ड्रैगन चार्जिंग होता है किसी पे हमला करने के लिए दौड़ते हुए आना रजत ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित होकर बोला ओ oh, हाँ और देखो वहाँ एक बड़ा बैल ड्रैगन पर हमला कर रहा है विक्रम एंड रजत लुक अटेंटिवली एट द स्काई अटेंटिवली होता है केयरफुली यानी ध्यान से विक्रम और रजत ने आसमान की ओर ध्यान से देखा द ड्रैगन एंड द बुल वर वूविंग टूवर्ड्स ड्रैगन और बैल एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे एज सुन एज दे केम क्लोज अ ब्लाइंडिंग लाइट सडनली अपियड बिटवीन दम जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए अचानक उनके बीच एक चकाचौ रोशनी दिखाई दी ब्लाइंडिंग होता है बहुत ब्राइट जिसमें हम अच्छे से देख भी नहीं पाए देन देयर केम द साउंड ऑफ ऑफ अ ट्रैश ऑल एट वंस लार्ज रेन देखें टू फॉल ऑन द टू चिल्ड्रेन तभी खटपट की आवाज आई बैंग अचानक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे दोनों बच्चों पर गिरने लगी इट इज रेनिंग क्राइड विक्रम लेट एस रन इन साइड क्विकली बारिश हो रही है विक्रम चिल्लाया चलो जल्दी से अंदर भागते हैं मम हमने आसमान में एक ड्रैगन और एक बुल को लड़ते हुए देखा। घर के अंदर पहुंचते ही दोनों चिल्लाने लगे Their mother laughed and said, you must मदर seen एंड सेड यू मस्ट of शेप्स ऑफ एनिमल्स उनकी माँ हंसी और बोली तुमने जानवरों की शेप्स वाले बादल देखे होंगे उसकी माँ ने कहा अ लुक एट स्पीक ऑन डू यू लाइक द रेन वाई और वाई नॉट टेल द क्लास क्या आपको बारिश पसंद है क्यू या क्यू नहीं अपने क्लास में बताओ क्लाउड्स कैन बी ऑफ एनप एंडल किसी भी आकार प्रकार के हो सकते हैं ऑल क्लाउड्स आर मेड अपटल ड्रॉप एंड लिटल बिट्स ऑफ डस्ट सभी बादल छोटी छोटी पानी की बूंदों और थोड़ी बहुत दूर से बने होते हैं वेन अ क्लाउड बिकम्स टू हैवी विद वॉटर ड्रॉप द ड्रॉप फॉल एस रेन जब बादल पानी की बूंदों से बहुत भारी हो जाता है तो बूंदे बारिश के रूप में गिरती है वट वॉज द ब्राइट लाइट वी सॉ इन द स्काई आस्क विक्रम विक्रम ने पूछा आसमान में हमने जो तेज रोशनी देखी वह कैसी थी देयर मदर आंसर स्माइल ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम क्लाउड्स बैंग इनटू ईच अदर एंड वी गेट लाइटनिंग एंड थंडर उनकी मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया तूफान के दौरान बादल आपस में टकराते हैं और बिजली चमकती है और गरजती है तेज light रोशनी बिजली है और धमाके की आवाज गड़गड़ाहट है सडनली रजत क्राइड आउट लुक देर इज रेनबो इन द स्काई अचानक रजत चिल्लाया देखो आसमान में इंद्रधनुष है यस सेड द मदर हाँ उनकी माँ ने कहा Sometimes you see a rainbow when the sun comes out after the rain. कभी कभी जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है Do you know the colors of the rainbow? क्या आपको इंद्रधनुष के रंग पता है They are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. वह बैंगनी है इंडिगो हरा नीला पीला नारंगी और लाल हाउ लवली द रेनबो लुक्स सेट विक्रम एंड रजत एज दे रैन आउट टू प्ले अगेन इंद्र धनुष के रंग कितने प्यारे लग रहे हैं विक्रम और रजत ने कहा और वैसे ही वह वै फिर से खेलने के लिए बाहर भागे होप यू अंडरस्टैंड वेल चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास सेकंड इंग्लिश फॉर मोस्ट सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग